रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? दोस्तों मैं शेफ़ अफजल, आप देख रहे हैं शेफ़ अफजल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बनाएंगे गुजिया हलवाई स्टाइल में, जिसको मीठा समोसा भी कहते हैं, खोए वाली गुजिया, बिल्कुल हलवाई के तरीके से बनाएंगे। तो दोस्तों देखते हैं हलवाई वाली गुजिया बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनेगी। तो आइए शुरू करते हैं गुजिया बनाना। 100 ग्राम इसके लिए मैंने लिया है देसी घी, इसको मैंने गरम कर लिया है। शुगर लेंगे इसके लिए, खाने का सोडा यानी कि बेकिंग सोडा, और 1 kg इसके लिए मैं ले रहा हूँ मैदा नॉर्मल, और पानी भी इसके लिए हमें नॉर्मली चाहिए होगा। सबसे पहले 1/2 teaspoon बेकिंग सोडा इसमें ऐड कर देते हैं, उसके बाद शुगर इसमें शामिल करेंगे। 3 tablespoon इस शुगर के इसमें शामिल कर दिए हैं मैंने, और 100 ग्राम घी, घी को मैंने मेल्ट कर लिया है, हल्का सा इसको गर्म किया हुआ घी है, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। सबसे पहले चीनी को और घी को, ताकि चीनी का जो क्रिस्टल है वो थोड़ा ख़त्म हो जाए। उसके बाद इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी दोस्तों हमने इसके अंदर 1 कप पानी लेना है, यानी कि 200 ग्राम, और जितने मैदे की रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से। तो पहले मैंने इसमें 200 ग्राम पानी लिया है और सारा मैदा उठा के इसमें डाल दिया, और अच्छे से इसको गूंदना है। जितना अच्छा आपका मैदा गूंदा हुआ होगा उतनी ही अच्छी आपकी गुजिया तैयार होगी। तो इसको अच्छे से गूंदिएगा, और गुजिया का मैदा थोड़ा सख्त होगा, नरम मैदा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसकी सख्त सी डो बनानी है इस तरीके से, जैसे मैंने इसको गूंद लिया है। थोड़ा सा मैं इसको और गूंदूंगा, फिर इस पर शापर, इसको कवर करके शापर दे के इसको रख देंगे। अब मैदा तैयार हो चुका है, अब जो अगला स्टेप है उसकी तरफ चलते हैं। तो इसको मैंने कवर करके इसको मैं छोड़ देता हूँ, और ये मैंने लिया है 1/2 kg दाना खोया, ये मैंने अपना तैयार किया हुआ खोया है। तो इसको मैं हल्का सा इसको और भून लूँगा, कच्चा खोया इसमें नहीं जाएगा। तो सिर्फ 2 से 3 मिनट तक आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे खोए को पकाना है। उसके बाद इसको चूल्हे से नीचे उतार दें। किशमिश और बादाम इसमें मैं ऐड कर दूँगा, और 2 tablespoon इसमें मैं शुगर, वो मैंने ऐड कर दिया, उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मैं आपको बता दूँ, बादाम और किशमिश ये ऑप्शनल हैं। थोड़ी सी मैंने इसमें इलायची ऐड कर दी है, आप चाहें तो बादाम और किशमिश इसमें इस्तेमाल कर लें, वरना तो रहने दें। मैदे के सबसे पहले पेड़े बना लेंगे छोटे छोटे, इस तरीके से छुरी की मदद से इसकी कटिंग करेंगे। मैदे का जो दोस्तों पेड़ा हमने बनाना है, तकरीबन 20 ग्राम का एक पेड़ा बनाना है, 15 से 20 ग्राम का, ज़्यादा बड़ा पेड़ा नहीं बनाना, 15 से 20 के दरमियान पेड़ा होगा। उसको इस तरीके से गोल करेंगे, पहले छुरी से कटिंग करके इस तरीके से गोल कर लेते हैं। इसको ट्रे में रख देंगे, सारे पेड़े मैं ऐसे ही गोल कर लूँगा। तो सारे पेड़े मैंने बना दिए हैं, अब इसको बेलन की मदद से इस तरीके से बेल के रख लेंगे। ज़्यादा बड़ा आपने नहीं करना, इसी साइज़ का इसकी रोटियाँ बेल के इसको सारे को रख लेते हैं इस तरीके से बेलन की मदद से। तो सारे पेड़े दोस्तों मैंने बेल दिए हैं, अब इसके अंदर खोए की फिलिंग देंगे और इसको बंद करेंगे इस तरीके से। देखिए आप ज़रा सा खोया इसमें लीजिएगा, तकरीबन 20 ग्राम इसमें खोया जाएगा। अगर जो आप चम्मच की मदद से लेंगे तो 1/2 tablespoon इसमें जाएगा खोया, और इस तरीके से आप चुटकी लगा लें हाथ से। इसको बंद आपने अच्छे से करना है, आप चाहें तो इसको किसी सांचे में बना सकते हैं, मगर सांचे में आपको इसको बंद अच्छे तरीके से करना होगा, वरना इसका जो खोया है वो घी इसके अंदर से बाहर आ जाएगा और ये जो गुजिया है आपकी ख़राब हो जाएगी। तो चुटकी ऐसे अगर जो आप कोशिश करेंगे 2-4 piece को, तो आपको लगानी आ जाएगी। तो देखिए मैं फिर आपको दिखा देता हूँ, इस तरीके से आप लें 1/2 tablespoon इस पर खोया रखें, जो कि हमने बनाया था इसकी फिलिंग के लिए। अच्छे से इसको पैक करें हाथ की मदद से इस तरीके से, जैसे कि समोसों को पैक करते हैं, और ऐसे चुटकी लगाएं। इस तरीके से देखें, ये थोड़ा सा मुश्किल आपको लगेगा जब आप 2-5 piece को आप ऐसे बनाएंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आप भी इंशाल्लाह ऐसे बनाने लग जाएंगे इस तरीके से आप बना के। तो मैं सारों को ऐसे ही बना लूँगा। ये दिखाने का मकसद यही है कि आप देख सकेंगे किस तरीके से मैं इसको चुटकी लगा रहा हूँ, कैसे इसको बंद कर रहा हूँ। ये बहुत ही आसान है, अगर जो आप इसको ध्यान से देखेंगे 2-4 मरतबा करेंगे तो आपको आ जाएगा। दिखने में आपको ज़रूर ये लग रही है कि मुश्किल है, तो तमाम पीस मैंने ऐसे बना के रख दिए हैं। अब इसको करते हैं हम फ्राई, और फ्राई हमने इसको करना है घी के अंदर। मैं करूँगा देसी घी में, आप चाहें जो मर्ज़ी चाहे घी ले लें,
अलबत्ता तेल का इस्तेमाल आपने इसमें नहीं करना है। और डीप फ्राई होंगे ये, पहले एक पीस डाल के घी का टेम्परेचर मैंने चेक किया तो टेम्परेचर मुझे दोस्तों सही लगा, इतने इसमें बबल्स आने चाहिए। अगर जो आप इसको ज़्यादा ठंडे घी में इसको ऐड कर देंगे तो ये खुल जाएंगे, टूट जाएंगे। तो इसका जो घी का फ्लेम है उसका भी आपने ध्यान रखना है। और जिस वक्त आप इसको घी में फ्राई करेंगे तो इस वक्त फ्लेम जो है वो बिल्कुल ज़ीरो पे है, कम है। जैसे ये सारे के सारे ऊपर आ जाएंगे तो मैं 2 से 3 मिनट के लिए फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर दूँगा। तो सारे ऊपर आ गए हैं और 2 से 3 मिनट तक के लिए मैं फ्लेम को तेज़ करूँगा, फिर इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको सिकाई करेंगे ताकि अंदर से अच्छी तरह सिक जाए। 1 किलो मैंने ली है चीनी। अभी एक तरफ हमारी गुजिया फ्राई हो रही है, एक तरफ हम इसकी चाशनी तैयार कर लेते हैं। और तकरीबन 1 किलो ही इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है और ये 100 ग्राम मैं इसमें ग्लूकोस ऐड कर रहा हूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको इस्तेमाल कर लें वरना तो इसको स्किप कर दें, और इसकी जगह आप लीमू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चाशनी को उबाल आ चुका है, मैं आपको दिखा दूँ। एक तार की चाशनी चाहिए हमें, ज़्यादा पतली भी ना हो, ज़्यादा गाढ़ी भी ना हो, इस तरीके से ज़्यादा मोटी तार ना बने। 1 किलो चीनी, 1 किलो पानी डाल के आप 5 मिनट तक इसको पकाइएगा। एक तरफ हमारी गुजिया भी फ्राई हो रही हैं तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक, कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। कम से कम दोस्तों गुजिया फ्राई होने में 15 से 20 मिनट लाजमी लगेंगे, तो आप इसको जल्दी मत कीजिएगा, कम से कम 20 मिनट तक इसको फ्राई कीजिएगा। थोड़ा सा कलर आ चुका है मगर मुझे और कलर चाहिए तो मैं थोड़ा सा इसको और फ्राई कर लेता हूँ। इसको डायरेक्ट हम घी से निकाल के शीरे में ऐड कर देंगे। शीरा हमारा नॉर्मल गर्म होगा, ज़्यादा गर्म शीरा हमें नहीं चाहिए, तो शीरा मैंने रखा हुआ है। अब ये तैयार हो गई है, अब इसको शीरे में मैं ऐड कर देता हूँ इस तरीके से, अच्छे से घी से निचोड़ के। शीरा बिल्कुल हल्का गर्म है, इतना गर्म शीरा है कि आपकी उंगली इसमें चली जाए। ज़्यादा गर्म शीरे में आपने गुजिया नहीं ऐड करनी वरना ये नरम हो जाती हैं। और इस तरीके से चम्मच की मदद से इसको दबाइएगा ताकि अच्छे से शीरा इसके अंदर चला जाए, जब भी गुजिया खाने में आपको मज़ा आएगा। अब शीरे में मैं इसको रखूँगा कम से कम 10 मिनट के लिए, उसके बाद डिश आउट करूँगा और डिश आउट करके मैं आपको दिखाऊँगा किस तरीके की हमारी गुजिया बनी है। तो आप ज़रूर ये एंड तक मेरी वीडियो देखिएगा। अब 10 मिनट तक इसको छोड़ते हैं। तो दोस्तों 10 मिनट हो चुके हैं, गुजिया ठंडी भी हो गई और इसने शीरा भी अच्छे से पी लिया है। अब इसको डिश आउट करते हैं तो देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इसका लुक आ गया है, कितनी ज़बरदस्त लग रही है। और शीरा भी इसके अंदर तक है और ये बिल्कुल भी अंदर से कच्ची नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त गुजिया बनी है। बहुत ही आसान और सिंपल रेसिपी है दोस्तों गुजिया बनाने की। फिर भी आपको कोई चीज़, कोई बात समझ में ना आए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप वहाँ से मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो गुजिया मैंने कर दी है डिश आउट, आप देख लें इसका लुक देख लें, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त है, हलवाई से भी अच्छी गुजिया मैंने बनाई है। तो ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। और आप किसी की दावत पे ये बना सकते हैं, अपने घर में बना सकते हैं, सिंपल रेसिपी है। तो गुजिया हमारी बिल्कुल हो गई है तैयार, आप इसको सर्व करें, आप इसको रख दें, 1 से 2 दिन तक ये ख़राब नहीं होगी। तो दोस्तों ये थी आज की मेरी वीडियो, आपको कैसी लगी ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने वालदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।